हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे पीनट्स बर्फी। इस दिवाली ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। पहले इसके लिए सामान देख लेते हैं। यहाँ पे एक कटोरी पीनट्स लिए, मूंगफली इनका छिकल उतार दिया है। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली है तो इन्हें कढ़ाई में डाल के हल्का सा रोस्ट कर लें तो इनका छिकल आराम से निकल जाएगा। आधी कटोरी मिल्क पाउडर लेना है, एक कटोरी चीनी। अब पीनट्स का पाउडर बना लेते हैं। यहाँ पे लेंगे मिक्सी का ग्लास, इसमें डाल देंगे आधे पीनट्स और अब इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल देंगे जो मूंगफली का ऑयल ना निकले। आधा बचा लिए, आधे को बाद में यूज करेंगे। इसका ढक्कन लगा के इसका फाइन पाउडर बना लेते हैं। यहाँ पे मूंगफली का फाइन पाउडर बन गया है, अब इसको छान लेते हैं। अब यहाँ पे कोई बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें रखेंगे छली और अब इसको छान लेते हैं। मैंने इसे छान लिया और देखिए थोड़े से मोटे मोटे क्रिस्टल से रह गए हैं। इसे मिक्सी ग्लास में डाल के एक बार चला लेंगे। जो पीनट्स बची हैं उसमें मिल्क पाउडर डाल के उसका ही फाइन पाउडर बना लेंगे और फिर इसे छान लेंगे। यहाँ पे मैंने सभी को छान लिया है, अब इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। अब ले लेंगे कढ़ाई। यहाँ पे ध्यान रखें कढ़ाई थोड़ी मोटे तले की होनी चाहिए। इसमें डाल देंगे एक कटोरी चीनी, आधी कटोरी पानी और चीनी को यहाँ पे घुलने देते हैं। चीनी हो गई मेल्ट, इसे एक दो मिनट के लिए और उबाल लेंगे क्योंकि हमें चाशनी एक तार की चाहिए। दो मिनट हो गए चाशनी को उबलते उबलते, अच्छी गैस बिल्कुल लो कर देंगे इस टाइम पे और चाशनी को चेक कर लेते हैं। एक प्लेट में थोड़ी सी चाशनी निकालेंगे, ऐसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। चाशनी होगी ठंडी, अब इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा उंगलियों पे लेंगे चाशनी और देखिए चाशनी में एक तार पूरा बनना है, हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए। और अब इसमें अपना मिक्सर डाल देंगे। यहाँ पे गैस लो कर ले या फिर गैस बंद भी कर सकते हैं और इसे मिक्स कर देंगे। और ऐसी नई नई बर्फी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली है, आप वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। ये हो गया अच्छे से मिक्स, इसकी गैस कर देंगे बंद और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा जब हम बर्फी जमाएंगे, बर्फी का मिक्सर हो गया ठंडा और देखिए मैं इसे हाथ लगा सकती हूँ, इतना ठंडा है ये। बर्फी के मिक्सर को मैंने बटर पेपर पे निकाल लिया है, आप चाहे तो प्लेट में भी निकाल सकते हैं। हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे, इस मिक्सर को एक बार मसल लेंगे। मैंने यहाँ पे मसल लिया और हाथ से थोड़ा सा इसे फैला देंगे और बेलन पे भी हल्का सा घी लगा लेंगे जो चिपके ना। और अब इसको बेलते हैं। मैंने इसे बेल लिया और यहाँ पे थोड़ा पतला ही करके बेला है, ज्यादा मोटा नहीं रखा है। और साइड में से हल्का सा दबा देंगे ताकि किनारी वो ठीक हो जाए। यहाँ पे किनारी होगी ठीक और देखिए इसे ज्यादा मोटा नहीं रखा है और ना ही ज्यादा पतला रखा है, बीच साइज का है ये। अब इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्केल लिया है जो सारी बर्फी एक ही साइज की बने। आप देख सकते हैं कितने आराम से कट हो रही है। एक साइड से कट हो गई और दूसरी साइड स्केल रख के इस तरह से भी हम कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सभी को कट कर लिया है। अब पीसेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा पिस्ता रख देंगे, आप चाहे तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे चांदी का वर्क नहीं लगाया, थोड़ा थोड़ा पिस्ता रख रही हूँ। मैंने यहाँ पे सभी पे पिस्ता लगा दिया। अब एक एक बूंद इसके ऊपर केसर का कलर लगा देंगे या फिर येलो कलर, जिससे मिठाई बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगे। आधों पे मैंने केसर वाला कलर लगा दिया है, आधे मैंने ऐसे छोड़ दिए हैं। अब इनको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं और देखिए कितनी आसानी से निकल गए। ये हमारी पीनट्स बर्फी बनके हो गई रेडी। इस दिवाली ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, थैंक यू।